हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो ये है टाटा पंच व्हाइट कलर में। तो इसका बम्पर के एक साइड में स्क्रैच आ गया है, तो हम उसको पेंट करेंगे और नीचे बम्पर का जो ब्लैक पार्ट है उसको भी हम ठीक करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। अगर आपको ब्लैक पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स कैसे रिस्टोर करना है वो देखना है तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो हम पूरे बम्पर को पेंट नहीं करेंगे, जिस साइड पे स्क्रैच लगा है हम सिर्फ उसी साइड को पेंट करेंगे। तो ये एरिया हमने 600 से सैंड किया है, ये एरिया, और बेस को हम इस जगह पे ब्लेंड करेंगे। हम पूरे में बेस नहीं मारेंगे, इस जगह पे बेस कोट को हम ब्लेंड करेंगे और उसके बाद पूरा जो जितना एरिया है ये एरिया, इसमें हम क्लियर कोट को अप्लाई करेंगे। और ये जो एरिया है, इस एरिया में हम क्लियर कोट को ब्लेंड करेंगे। और ये जो जगह है जहाँ पे हम क्लियर को ब्लेंड करेंगे, इसको हमने 2000 से सैंड किया है। तो ये एरिया हमने 2000 से सैंड किया है, ये जहाँ पे हम क्लियर को ब्लेंड करेंगे। और बाकी जो एरिया है, जितना भी बाकी जगह है, वहाँ पर हमने 600 से इसको सैंड किया है। और हम इस जगह पे बेस कोट को ब्लेंड करेंगे, इस जगह पे बेस को ब्लेंड करेंगे, फिर पूरा क्लियर मारेंगे। तो अभी हम अप्लाई करेंगे बेस कोट। तो बेस कोट हमको 4-5 कोट मारना है, लाइट लाइट करके। ज़्यादा हेवी कोट हम नहीं मारेंगे, लाइट लाइट करके 4-5 कोट मारेंगे और इसको बेस को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये जो कलर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, इस कलर में ना ही पर्ल है, ना ही कोई मेटेलिक फ्लेक्स वगैरह है, ये सिंपल वाइट है। तो इस चक्कर में क्या होता है, 99% जो पेंटर लोग होते हैं वो सिंगल स्टेज कलर मार देते हैं। अगर आप दुकान पे पेंट लेने भी जाओगे तो वो लोग इसको सिंगल स्टेज समझ के सिंगल स्टेज कलर दे देगा आपको। सिंगल स्टेज कलर मतलब जिसमें अलग से क्लियर कोट का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन ये कलर वैसा नहीं है, ये कंपनी से जो कलर आया है इसमें क्लियर कोट है, बेस कोट अलग है, क्लियर कोट अलग है, ये सिंगल स्टेज कलर नहीं है। तो 99% पेंटर इसमें बहुत ज़्यादा गलती करता है। सिर्फ पेंटर नहीं, जो दुकान पे हम पेंट बना के लाते हैं वो लोग भी ये गलती करते हैं। अगर आप इस पे सिंगल स्टेज कलर डालोगे ना तो क्या होगा, इसमें ना कंपनी के जैसा फिनिश आएगा, ना ही कंपनी के जैसा ग्लॉस लेवल आएगा। और जिस जगह पे आप पेंट को ब्लेंड करेंगे, जैसे कि हम क्लियर को ब्लेंड करते हैं, सिंगल स्टेज उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, तो जगह दिखता है कि यहाँ पे हमने पेंट को जोड़ा है, या पुराने पेंट, नए पेंट का जो जिस जगह पे मीट होता है ना, वो जगह समझ में आता है, दिखता है सिंगल स्टेज कलर आप अगर आप मारोगे तो। इसलिए इसमें सिंगल स्टेज कलर नहीं मारना है, ये कंपनी से जो कलर आया है ये क्लियर कोट और बेस कोट सिस्टम है, तो ये कन्फ्यूज़ मत होइए। हुंडई में भी एक कलर है, ये सिंपल जो व्हाइट है, पोलर व्हाइट है ना शायद उसका नाम, वो कलर भी सेम ही है, उसमें भी सिंगल स्टेज नहीं है। पहले ज़माने में सिंगल स्टेज यूज होता था, आज के ज़माने में सिंगल स्टेज कलर यूज़ नहीं होता, उसमें क्लियर कोट बेस कोट सिस्टम ही आता है कंपनी से। तो हमने इस पे क्लियर का 2 कोट अप्लाई किया है। 2 कोट अप्लाई करने के बाद अभी हमारा जो ब्लेंडिंग एरिया है, उस ब्लेंडिंग एरिया में हम उस पे फेड आउट थिनर अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो समझ में ना आए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जॉइंट है, क्लियर का ब्लेंड है, तो इसमें हम अभी फेड आउट थिनर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो समझ में ना आए। तो हमारा पेंटिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा एक फिनिश आया है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एरिया पेंट हुआ है। जब हम मास्क उतारेंगे तब देखेंगे कि हमारा जो हमने जो पेंट किया है वो, और जो कंपनी का पेंट है उसमें कोई डिफरेंस दिखता है क्या। तो ये देखिए, अभी हमने मास्क वगैरह उतार लिया है, तो कंपनी का पेंट और हमारे पेंट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा एकदम, कोई समझ में नहीं आएगा कि इसमें पेंट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।